थाना चिलकाना में नव निर्मित डिजिटल मालखाने का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। अब खबर विस्तार से। थाना चिलकाना में आयोजित नव निर्मित डिजिटल मालखाने के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे सहारनपुर परिक्षेत्र के डीआईजी अजय कुमार साहनी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तत्पश्चात डीआईजी अजय कुमार साहनी व एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने फीता काटकर डिजिटल मालखाने का उद्घाटन किया। उद्घाटन के दौरान डीआईजी अजय कुमार साहनी ने बताया कि डिजिटल मालखाना बनने से पुलिस के काम करने की राह आसान होगी। उन्होंने बताया कि सभी माल पर क्यूआर कोड लगाया गया है, जिसे मोबाइल से स्कैन करके समस्त जानकारी प्राप्त हो जाया करेगी। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कहा कि जिले भर के थानों में शीघ्र ही डिजिटल मालखाना बनाने का प्रयास किए जा रहे हैं। कुर्बान मलिक के साथ ओमपाल कश्यप की रिपोर्ट। सहारनपुर एसपी सिटी सहारनपुर और यहाँ थाना प्रभारी हैं, सीओ साहब हैं, लोगों के द्वारा एसएसपी साहब के निर्देशन में जो हमारा मालखाना है जहाँ पे बरसों पुराने माल पड़े रहते थे उनकी पहचान होनी मुश्किल होती थी और जब भी कोर्ट से उसकी डिमांड होती थी तो बड़ी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता था। उसके समाधान के लिए इन्होंने एक नई पहल की है और पूरे जितने माल हैं सब मॉडर्न तरीके से उसको कंप्यूटराइज्ड किया है और एक अच्छी कंपनी से इन्होंने टाई अप करके बार कोड बनवाया है। इसमें एक ऐप डेवलप कराया है। अब मोबाइल से किसी भी माल को स्कैन हम लोग कर सकते हैं। हर माल पे क्यूआर कोड लगा हुआ है, उससे हमें ये पता चल जाएगा कि किस मुकदमे से संबंधित वो सामान है और उसका मुकदमा कहाँ पे चल रहा है, उसके विवेचना कौन है और उसमें मुलजिम कौन है और उसके मालिक कौन थे, ये सारी सूचना इससे हमें मोबाइल से प्राप्त हो जाएंगी। इससे ये समस्या समाप्त हो गई है कि कभी रजिस्टर गायब हो जाए या कोई रिकॉर्ड की समस्या हो या माल बहुत पुराने होते हैं 20-25 साल तो पेपर कई बार गल जाते हैं और ये बहुत ही अनूठी पहल है, बहुत बेहतर तरीके से। इसी के संबंध में आज इसका चिलकाना थाने पे हम लोग उद्घाटन कर रहे हैं। सर, इसके अलावा कितने थाने हो चुके हैं इस तरह के? ये पूरे जनपद में अभियान चलाया जा रहा है एसएसपी सहारनपुर के द्वारा। पहले ये सिटी क्षेत्र में चलाया जा रहा है और जो सिटी क्षेत्र है उसमें काफी थाने इसे कवर हो चुके हैं। बाकी जो थाने शेष है वहाँ भी युद्ध स्तर पर कार्रवाई चल रही है और जल्द ही इसके द्वारा बताया गया है कि पूरे जनपद को ये इस तरह से क्यूआर कोड के साथ और ऑनलाइन सभी को कर दिया जाएगा। सर, इस थाने में सबसे पुराना केस कौन सा है? जो ये सारी चीजें समीक्षा की है, हम लोग समीक्षा करेंगे तो सारी चीजें आपको अपडेट करेंगे।